सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का कवर अप कराने वाली हूँ बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12, जो कि है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं MCQs, वो सारे इस वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज का ये जो वीडियो है ये आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एंड नीट एग्जामिनेशन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, नाइट ब्लाइंडलीनेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूज़ ऑफ ब्लैंक्स। यहाँ पे गैप दिया हुआ है एंड इस गैप को आपको फिलअप करना है करेक्ट आंसर से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोल्डन राइस, यानी कि जो नाइट ब्लाइंडलीनेस है उसे हम गोल्डन राइस से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A1 एंटीटाइप सीन इज ब्लैंक्स, फिर यहाँ पे गैप दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा यूज टू ट्रीट इम्फाइसेमा। अगर किसी को इम्फाइसेमा हो जाता है तो उसको A1 एंटीटिप्सिन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलियस थुरेंजेनेसिस इज डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्कालाइन pH ऑफ गट। अल्कालाइन pH ऑफ गट होता है जिसे बैसिलियस थुरेंजेनेस के टाइम पे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज गैप। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। ठीक है, इसी तरीके के अभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में या नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको भले नीट एग्जामिनेशन में करेक्ट ऑप्शन मिल जाए, ऑप्शंस वहाँ पे दिया रहता है ABCD एंड उसी में से आपको टिक करना होता है, करेक्ट आंसर लिखना होता है। सो इसी तरीके के आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GM क्रॉप्स हेल्प्स टू रिड्यूस दी डैश लॉसेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा GM क्रॉप्स हेल्प्स टू रिड्यूस दी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अल्कलाइन pH इन द स्टोमक ऑफ इंसेक्ट लार्वा ट्रिगर्स द एक्टिवेशन ऑफ, तो BT टॉक्सिन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट का क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग डैश वेक्टर्स निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट्स। तो उसको हम लोग एग्रोबैक्टीरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रोबैक्टीरियम। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमेरिकन कंपनी ऑब्टेन पेटेंट राइट्स ऑन डैश राइस यूजिंग US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो बासमती राइस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। जिस तरीके से यहाँ पे पोलियो वैक्सीन लिखा है तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसजेनिक माइस। ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर सबसे पहले टेस्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, BT कॉटन BT स्टैंड फॉर, हमने अभी आप लोगों को बताया कि द अल्कालाइन pH इन द स्टोमक ऑफ इंसेक्ट लार्वा ट्रिगर्स द एक्टिवेशन ऑफ BT टॉक्सिन। तो BT टॉक्सिन में जो BT आता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है बैसिलियस थुरेंजेनेसिस। याद रखिएगा, बैसिलियस थुरेंजेनेसिस मतलब BT। ऑलराइट, तो आज के इस वीडियो में हमने कवर अप करा है चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। एंड इन केस अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।